ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि जब लियो डोंग और ये शॉ डिबेट कंपटीशन देख के बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे शाओचेन पहुँच जाती है और लियो डोंग से अजीब अजीब से क्वेश्चन करने लगती है, जिसे सुन के ये शॉ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है और तुरंत ही लियो डोंग को बाय कह के शाओचेन के साथ वहाँ से निकल जाती है। ये शॉ को पता चलता है कि शाओचेन के तो ऑलरेडी काफी सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जिस पे ये शॉ शाओचेन से एडवाइस मांगती है कि उसे कैसे पता चलेगा कि ये शॉ जो है रियल में लियो डोंग के लिए कुछ फील करती है कि नहीं करती है। जिस पे शाओचेन जो है ये शॉ को बहुत अजीब अजीब से एडवाइस देती है, जिसे सुन के ये शॉ शाओचेन से कुछ नहीं कहती और वहाँ से तुरंत ही अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ क्लास में स्विंगक्विंग और बेयू बैठे हुए थे, जहाँ पे स्विंगक्विंग जो है अपने सारे के सारे दोस्तों की आवाज बदल बदल प्रेजेंट लगा रही थी। थोड़ी देर में वहाँ पे ये शॉ आ जाती है और ये शॉ के आते ही कुछ देर में जो है ये शॉ और स्विंगक्विंग बेयू की बुराई करने लगते हैं। और बेयू को तो मिस्टर बांग ने कहा था कि उसको हर सवाल का हाँ में जवाब देना, जिस पर बेयू को अपनी ही बुराई में हामी भरनी पड़ती है। साथ ही साथ स्विंगक्विंग तो बेयू के सामने ही क्विंग बे की तारीफ करने लग जाती है और बेयू के पास कुछ चारा नहीं होता हाँ भरने के अलावा, और थोड़ी देर में बेयू उनसे तंग आके वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। फिर वहीं पे दूसरी तरफ शाओवेन अपनी मॉम को कॉल करती है पैसों के लिए, लेकिन शाओवेन कुछ बोल पाती उससे पहले शाओवेन की मॉम बोलने लगती है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, उल्टा तुम्हारी फीस के लिए भी नहीं है, तुम जॉब करके कहीं पे भी कमा लेना खुद ही और स्टडीज की फीस भी भर लेना। थोड़ी देर में ही शाओवेन की मॉम शाओवेन का फोन कट कर देती है, जिसके बाद शाओवेन कोचिंग सेंटर जाके भी वहाँ पे एडवांस में फीस मांगती है, लेकिन वो शाओवेन को मना कर देते हैं एडवांस देने के लिए। वेल अब जब शाओवेन थके हारे अपने रूम में पहुंचती है, तब वहाँ पे शाओवेन के सारे दोस्त शाओवेन का वेट कर रहे होते हैं और शाओवेन के आते ही शाओवेन को कहने लगते हैं कि तुम लोन लेने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो तुम्हें लोन तो दे देंगे लेकिन फिर बाद में वापस लेते समय तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज में लोन लेंगे। जिस पे शाओवेन कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे भी मैं लोन नहीं लेने वाली हूँ, मैंने और जॉब ढूंढ ली है, अब मैं हर जगह जॉब करूंगी और तुरंत ही पैसे कमा लूंगी। जिसके बाद शाओवेन टोटल चार चार जगहों पे जॉब करती है और रात को थकी हारी वापस आती है, जब तक सारे दोस्त शाओवेन के सो चुके होते हैं। वेल अब नेक्स्ट डे स्कूल के टेरेस पे जब ये शॉ शाओवेन के बारे में बेयू को बता रही होती है, तभी थोड़ी देर में बेयू को क्विंग बेई का मैसेज आता है और तुरंत ही वहाँ से बेयू निकल जाता है, जिसके बाद क्विंग बेई बेयू और हुआशिया जो है कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं साथ और काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। और थोड़ी देर में क्विंग बेई जैसे ही टिंग टिंग का मैसेज देखता है तो तुरंत ही टिंग टिंग से मिलने के लिए निकल जाता है वहाँ से। क्विंग बेई और टिंग टिंग आराम से बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर में क्विंग बेई के पीछे पीछे बेयू और हुआशिया भी पहुंच जाते हैं। वेल वहीं पे दूसरी तरफ शाओवेन जब जॉब करके वापस आ रही होती है तो तब तक वहाँ पे वूडी उठी हुई होती है और वूडी नोटिस करती है कि शाओवेन को काफी ज्यादा तेज बुखार, लेकिन जब तक वूडी शाओवेन को दवाई खिला पाती तब तक शाओवेन वहीं पे ही अपने टेबल में सो चुकी होती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ हुआशिया टिंग टिंग को अपने साथ लेके जाता है कॉम्पिटिशन से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए और बेयू वहीं पे ही क्विंग बेई के साथ रुक जाता है। यहाँ पे बेयू क्विंग बेई से पूछता भी है कि क्या आप टिंग टिंग को लाइक करते हो, जिस पे क्विंग बेई बेयू के सामने अपना लव कन्फेस कर देता है कि हाँ वो टिंग टिंग को लाइक करता है और जब उसने डिबेट ज्वाइन करा था तब से ही वो टिंग टिंग को लाइक करता है, लेकिन वो विदेश चले गया था जिस वजह से वो टिंग टिंग को कुछ नहीं बोल पाया। मैं चाहता हूँ पहले मैं डिबेट कॉम्पिटिशन जीत जाऊँ तब जाके मैं टिंग टिंग को प्रपोज करूँ। यहाँ पे क्विंग बेई भी बेयू से पूछता है कि तुम शायद से ईशा को लाइक करते हो लेकिन तुम उसे कन्फेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग, अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो लियो डोंग उसको अपने साथ लेके चले जाएगा। यहाँ पे बेयू ये बात सुन के थोड़ा सा टेंस दिखाई देता है, लेकिन बेयू क्विंग बेई से कहता है कि नहीं तो मैं तो ईशा को लाइक नहीं करता। वेल कुछ देर में बेयू क्विंग बेई को बाय कह के निकल जाता है ईशा से मिलने के लिए, जहाँ पे ईशा और बेयू सोच रहे होते हैं कि किस तरह से वो शाओवेन की हेल्प कर सके, कि तभी बेयू को एक आइडिया आता है और बेयू तुरंत ही शाओवेन के जैसा मिलता जुलता पर्स खरीदता है और स्कूल की हेल्प से शाओवेन का आईडी कार्ड नेट से निकलवा कर उसमें कुछ पैसे रख के शाओवेन को पर्स पकड़ा देता है। लेकिन जब शाओवेन पर्स के अंदर अपना आईडी कार्ड देखती है तो वो समझ जाती है कि ये पर्स जो है इन्हीं लोगों ने मेरे लिए दोबारा खरीदा है, क्योंकि असलियत में शाओवेन ने अपने पर्स के अंदर अपना आईडी कार्ड नहीं रखा हुआ था। जिसके बाद शाओवेन वो पर्स बेयू और ईशा को वापस लौटा देती है और अपनी जॉब के लिए निकलने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही शाओवेन अचानक से गिर जाती है, जिसके बाद तुरंत ही बेयू और ईशा शाओवेन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर शाओवेन को कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से शाओवेन के अंदर वीकनेस आ चुकी है, इसलिए शाओवेन को अब कुछ दिन रेस्ट करने की जरूरत है वरना शाओवेन की जान को भी खतरा हो सकता है। जिसके बाद बेयू और ईशा शाओवेन को रेस्ट करने के लिए कह के वहां से अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। वेल वहीं पे दूसरी तरफ ये शॉ शाओवेन की मदद करने के लिए अपनी बहन शाओचेन से मिलने जाती है और शाओचेन से जॉब के बारे में पूछती है,
जिस पे शाओचेन कहती है कि मैं तभी शाओइन के लिए जॉब ढूंढूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे इंटरव्यू में चलोगी। अब शाओइन की मदद करने के लिए ये शाओ रेडी हो जाती है शाओइन के साथ इंटरव्यू में जाने के लिए। जिसके बाद ईशा अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पे थोड़ी देर में स्विंगपिंग आके ईशा को एक पोस्ट दिखाती है जिसमें कुछ टिप्स लिखी होती है ये पता करने के लिए कि आप किसके लिए फील करते हो। और जब ये शाओ उन लिस्ट के पॉइंट्स को पढ़ रही होती है तो तब ये शाओ को सारी की सारी फीलिंग बेयू के लिए लग रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ बेयू के दोस्त भी बेयू को वो पॉइंट्स दिखाते हैं और बेयू को भी ईशाओ के लिए वो फीलिंग्स लग रही होती है। ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि बेयू का फ्रेंड बेयू को एक लाइव स्ट्रीम के बारे में बताता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब के बदले में वो आपको पैसे देते हैं। जिसे सुन के बेयू तुरंत ही ईशाओ को लेकर शाओइन से मिलने हॉस्पिटल चले जाता है और शाओइन को सारा लाइव स्ट्रीम के बारे में बताता है। जिस पे शुरुआत में तो शाओइन कहती है कि खाली मेरी वजह से तुम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिस पे बेयू शाओइन से कहता है कि अगर तुम हमें प्रॉब्लम नहीं दोगे और हम उससे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम फ्रेंड्स के सक से रहे। जिसके बाद शाओइन मान जाती है लाइव स्ट्रीम करने के लिए, लेकिन अभी शाओइन की तबीयत ढंग से ठीक नहीं हुई थी जिस वजह से बेयू और ये शाओ अकेले ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पे जैसे ही बेयू और ये शाओ के हॉस्टल आ जाते हैं तो दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोनों के दोनों आगे जाते ही साथ में मुड़ते हैं पीछे की तरफ और दोनों को स्माइल करते हुए बाय कहते हैं। इससे पता चलता है कि बेयू और ये शाओ दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो फील करते ही हैं। तो अगले दिन शाओइन अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग शाओचेन के साथ शाओचेन के इंटरव्यू में जाती है, जहाँ पे जब इंटरव्यूअर लोगों को ये पता चलता है कि ये शाओ बड़ी बहन है लेकिन फिर भी छोटी क्लास में है क्योंकि शाओचेन पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी थी, तो ये शाओ ये बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन ये शाओ इतने सारे लोगों के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में फाइनली शाओइन लाइव स्ट्रीम करने लग जाती है, जहाँ पे शाओइन की स्क्रीन के जस्ट पीछे बहुत सारे लोग मौजूद थे ताकि जिसको भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब आता था तो शाओइन को बता देता था और शाओइन वो क्वेश्चन पूछने वाले को उनका आंसर्स बता दिया करती थी। जिसके बाद शाओइन जो है काफी सारे पैसे कमा लेती है, मतलब एटलीस्ट वो अपनी एग्जाम फीस भर सकती है उन पैसों से, और थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं शाओइन के। जिसके बाद उन बचे पैसों से शाओइन सभी लोगों को अपनी तरफ से ट्रीट देती है, जहाँ पे ट्रीट के दौरान टिंग टिंग और क्विंग बेई साथ में बैठे हुए थे जो कि स्विंग क्विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वेल, पार्टी के बाद जो है बेयू को काफी ज्यादा चढ़ जाती है, जिस वजह से क्विंग बेई और हुआशा जो है बेयू को कंधों में लटका लटका के लेके आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गर्ल्स हॉस्टल आते ही सारी गर्ल्स अपने रूम्स में चली जाती है तो क्विंग बेई और हुआशा बेयू को जमीन में लिटा देते हैं और उसको घसीटते हुए अपने रूम तक लेके जाते हैं। वेल, अब घर पहुंचने के बाद शाओइन को भी वो फीलिंग वाली पोस्ट मिलती है और उसे पढ़ने के बाद शाओइन को सारी की सारी फीलिंग्स बेयू के लिए लग रही होती है। लेकिन जैसे ही वो डी शाओइन से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रही हो तो शाओइन तुरंत ही उस पोस्ट को डिलीट मार देती है और वुडी को कुछ नहीं बताती। वेल, अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जाओ के फादर जाओ से मिलने के लिए हॉस्टल में आए हुए होते हैं। वो जब नोटिस करते हैं कि जाओ कंप्यूटर में लगा हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए, तो वो जाओ पे काफी ज्यादा चिल्लाते हैं। वेल, अब वहीं पे दूसरी तरफ प्रैक्टिस के दौरान मिस्टर बैंग सभी लोगों को एक पोएम देते हैं, उसका कंक्लूजन ढूंढ के लाने के लिए कह के वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सभी लग जाते हैं उस पोएम को अच्छे से समझने के लिए। वेल, अब रात हो जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जाओ फिर से अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए लगा हुआ होता है कि तभी अचानक से हुआशा की नजर जाओ के फादर पे पड़ती है जो कि जाओ के रूम की तरफ ही जा रहे होते हैं, और हुआशा के इन्फॉर्म करने की वजह से जाओ तुरंत ही अपने फादर के पहुंचने से पहले अपने कंप्यूटर में पढ़ाई को ऑन करके पढ़ने का नाटक करने लगता है अपने फादर के सामने। मतलब अपने बेटे को पढ़ता हुआ देख के जाओ के फादर जाओ के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद बेयू शी जाओ और हुआशा अपने कपड़े धोने के लिए रूम से बाहर चले जाते हैं, पर जाओ के फादर को भी कंप्यूटर चलाना आता था और जाओ के फादर जो है जो नीचे मेन्यू बार बना हुआ होता है उसमें गेम का आइकन देख लेते हैं और जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जाओ इससे पहले गेम खेल रहा था, जिसे देखते ही जाओ के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही जाओ के कीबोर्ड को तोड़ देते हैं। वेल, अब नेक्स्ट डे टिंग टिंग प्रैक्टिस रूम में बैठ के उसी हनी नाम के पर्सन से बात कर रही होती है और ये कह रही होती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस साल आओगे वापस, लेकिन तुम इस साल भी नहीं आ रहे हो। कि थोड़ी देर में वहाँ पे क्विंग बेई भी आ जाता है और टिंग टिंग की सारी बातें सुन लेता है, लेकिन क्विंग बेई टिंग टिंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता और जो जूस टिंग टिंग के लिए लाया हुआ होता है वो बाहर के ही टेबल में रख के वहाँ से चले जाता है। वेल, आप लोग भी यहाँ पे समझ गए होगे ये हनी कौन है, यानी कि टिंग टिंग ऑलरेडी रिलेशन में है किसी के साथ। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ
तरफ ये शव की टीचर जो है सभी बच्चों को किसी एक चीज पे क्लब बना के उसके बारे में प्रेजेंट करने के लिए कहती है, जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए ईशा अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी टिंगटिंग मौजूद होती है और हनी से कह रही होती है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फिर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, तुम जल्दी से मुझसे यहाँ पे मिलने आ जाओ। कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पे ईशा हो जाती है और ईशा के आते ही टिंगटिंग वहाँ से चली जाती है और साथ ही साथ ईशा और टिंगटिंग की कोई भी बात नहीं सुन पाती। फिर खाना खाते टाइम तभी ईशा को एक आइडिया आता है और वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो न्यूज से रिलेटेड क्लब बनाएंगे, जहाँ पे वो तरह तरह की खबरें पोस्ट करेंगे और उससे रिलेटेड ही अपने प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करेंगे। वेल वहीं पे दूसरी तरफ प्रैक्टिस रूम में बैठ के सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फाइनली उन लोगों को पोएम की समरी पता चल जाती है। कि तभी अचानक से बेयू को जाओ के नंबर से कॉल आता है और फोन पिक करते ही बेयू तुरंत ही प्रैक्टिस रूम से भाग जाता है, क्योंकि एक्चुअली में जाओ जो है रेस्टोरेंट में कहीं गिर गया था बेहोश होके। जिसके बाद बेयू अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाओ को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि शायद से जो है जाओ काफी दिनों से सोया भी नहीं है और ज्यादा गेम खेलने की वजह से इसके मेंटल हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ा है, अगर इसको सही टाइम पे नहीं लाया जाता तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। कि तभी थोड़ी देर में जाओ के फादर वहाँ पे पहुंच जाते हैं और बेयू से सारी रिपोर्ट लेते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहो। पहले बेयू जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो बेयू को ईशा दिखती है, जिसके बाद बेयू ईशा को सब कुछ बता देता है जाओ के बारे में। पहले अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे स्विंकिंग अपने दोस्तों को बता रही होती है कि आज जब मैं क्विंग बेई से बात कर रही थी तो मुझे काफी ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था और जब मैंने उनसे टेंस दिखाई देने का रीजन पूछा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे सर पे हाथ थपथपाया, जिसे देख के स्विंकिंग की हार्ट बीट और भी ज्यादा बढ़ गई और स्विंकिंग आज इसलिए बहुत ज्यादा खुश भी होती है। वेल अब नेक्स्ट डे ईशा बेयू से कहती है कि क्या तुम मुझे जाओ से मिलवा सकते हो, क्योंकि ईशा ने डिसाइड किया था कि वो न्यूज इकट्ठा करेगी और साथ ही साथ पूरी जगह में ये बात फैल गई थी कि ज्यादा गेम खेलने की वजह से एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जिस वजह से ईशा चाहती थी कि वो इस न्यूज को कवर कर सके। जिसके बाद ईशा के ज्यादा फोर्स करने की वजह से बेयू ईशा को जाओ के घर तक लेके जाता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद उन सबको पता चलता है कि एक्चुअली में जाओ जो है एक गेम कंपटीशन में सेलेक्ट हो चुका होता है और कुछ ही दिनों में जाओ का जो है फॉरेन कंट्री से मैच होने वाला है, जिसके लिए जाओ जो है 3-4 दिन से लगातार प्रैक्टिस करने में लगा था और इसी वजह से जाओ की तबीयत भी बिगड़ गई। वेल यहाँ पे जाओ के घर में बेयू को एक छोटा सा क्यूट पप्पी दिखता है, जिसकी फोटो बेयू तुरंत ही ले लेता है और कुछ ही देर में वहाँ पे जाओ के फादर आ जाते हैं और बेयू और ईशा को घर से जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पे ये शव जाओ के फादर पे चिल्लाते हुए कहती है कि आप अपने बेटे की सुनते क्यों नहीं हो, एक बार उसकी सुन तो लो। तभी जल्दी से बेयू आता है और ये शव को कमरे से बाहर लेके जाता है और ये शव को कहता है कि तुम आज लड़ाई करवाने वाली थी। वेल यहाँ पे ईशा और बेयू के जाने के बाद जाओ अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज मेरा कॉम्पिटिशन आने वाला है तो मुझे प्लीज उसमें पार्टिसिपेट लेने दो, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। लेकिन जाओ के फादर जाओ की एक नहीं सुनते और जाओ पे चिल्ला के वहां से चले जाते हैं। ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि रात को जाओ चुपचाप से अपने घर का टीवी ऑन करके उसमें ई स्पोर्ट्स का चैनल ऑन करके अपने बेड में सोने के लिए चले जाता है। कि तभी टीवी की आवाज सुन के जाओ के फादर बाहर आते हैं और तुरंत ही टीवी को बंद कर देते हैं, यानी कि अभी भी जाओ के फादर यही चाहते हैं कि जाओ ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना ले। जिसके बाद जाओ अपने फादर के सोते ही अपने बेड के नीचे से लैपटॉप निकालता है और उसमें दोबारा से गेम खेलने लग जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे टिंग टिंग प्रैक्टिस करने के बाद क्विंग बेई से पूछती है कि क्या आज हम साथ में खाना खाएं, जिसपे पहली बार क्विंग बेई जो है टिंग टिंग को साफ साफ मना कर देता है। वेल अब तुरंत ही रात हो जाती है, जहाँ पे बेयू और ईशा अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से बेयू को उस पप्पी की फोटो अपने फोन में दिखाई देती है। जब बेयू उस फोटो को ध्यान से देखता है तो बेयू देखता है कि उस पप्पी ने फर्स्ट पोजीशन का मेडल पहना हुआ है और उस मेडल के बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद बेयू और ईशा को पता चलता है कि पहले जाओ के फादर भी जो है ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लिया करते थे और सिर्फ जाओ के फादर ने पार्टिसिपेट नहीं लिया बल्कि वो जो है फर्स्ट पोजीशन में भी आए हैं। वेल जिसके बाद बेयू और ईशा काफी सारी बुक्स को सर्च मारते हैं, जिसके थ्रू जो है बेयू और ईशा को काफी लोगों के नंबर मिलते हैं जो कि पहले जाओ के फादर के साथ ई स्पोर्ट्स में गेम खेला करते थे साथ में। वेल अब फाइनली एक का नंबर लग भी जाता है और नेक्स्ट डे ईशा अकेले ही उनसे मिलने चली जाती है। यहाँ पे ईशा को पता चलता है कि एक्चुअली में जाओ के फादर काफी ज्यादा अच्छा गेम खेला करते थे और बल्कि उन्होंने जो है ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेके फर्स्ट पोजीशन में भी रैंक करा है, लेकिन इस गेम को खेलने की वजह से जाओ की मदर जो थी वो जाओ के फादर को छोड़ के चली जाती है और यही रीजन है कि जाओ के फादर ने गेम खेलना छोड़ दिया। जिसके बाद ईशा सीधा चली जाती है जाओ के फादर से अकेले मिलने के लिए रेस्टोरेंट में
और सारी की सारी कहानी जाओ के फादर को कह देती है कि मुझे सब कुछ आपके बारे में पता चल चुका है, आप एक चांस तो दे दो जाओ को खेलने के लिए। जिस पे जाओ के फादर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जाओ को पता चले कि मेरी वजह से जो है जाओ की माँ उसे छोड़ के चली गई। जिस पे यीशु कहती है कि आप ही उसे बचपन से पालते हुए आए हो, अगर आप उसे बता दोगे ये बात तो मुझे पूरा यकीन है कि जाओ आपको कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद यीशु जाओ के फादर को एक बॉक्स पकड़ाती है। बॉक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन का बैच होता है जिसे देख के जाओ के फादर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। विल वहीं पे दूसरी तरफ बे यू प्रैक्टिस के बाद सीधा जाओ से मिलने जाता है और जाओ को अपनी सारी प्लानिंग बताता है कि कंपटीशन से 3 दिन पहले जाओ पहले ही जो है अपने घर से भाग जाएगा और एक होटल में स्टे करेगा जहाँ पे जो है बेयू और बेयू के दोस्तों ने ऑलरेडी जाओ के लिए सब कुछ इंतज़ाम कर रखा होगा। और कंपटीशन के दिन जाओ अपनी एंट्री एज अ ऑडियंस लेगा और अंदर जाकर ही सबको बताएगा कि हाँ भाई मैं ये कंपटीशन लड़ने आया हूँ। और एक बार जाओ अगर अंदर घुस गया और कंपटीशन में बैठ गया तो जाओ के फादर भी जाओ को नहीं रोक सकते कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पे जाओ के फादर और यीशु आ जाते हैं। और यहाँ पे जाओ के फादर जाओ के लिए एक पूरा का पूरा पीसी का सेट लाते हैं और जाओ को कहते हैं कि तुम्हारा कंपटीशन नज़दीक आ रहा है, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी। यानी कि जाओ के फादर अब फाइनली मान चुके हैं कंपटीशन के लिए। वेल अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी लेकिन बेयू जो है रात को क्विंगबेई से मिलने जाता है जहाँ पे बेयू क्विंगबेई से कहता है कि आप टिंग टिंग को कब अपनी दिल की बात बताएंगे। जिस पे क्विंगबेई कहता है कि अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी टिंग टिंग जो है रिलेशन में है। वेल अब टाइम ऐसे ही बीत जाता है और डिबेट कॉम्पिटिशन के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीशु और बाकी लोग जो है डिबेट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यीशु के दोस्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। वेल अब फाइनली डिबेट कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ पे इस बार लिटरेचर टीम की टक्कर जो है आर्ट्स टीम से होने वाली थी यानी कि लियो डोंग की टीम से। और वहीं पे दूसरी तरफ इसी दिन जाओ का भी कंपटीशन था ई स्पोर्ट्स का जिस पे जाओ के फादर और जाओ जो है साथ में जाते हैं उस कंपटीशन के लिए और साथ ही साथ जाओ के फादर इस बार अपना बैच पहन के भी जाते हैं और अपने बेटे के साथ बिल्कुल ही प्राउडली चल रहे होते हैं। वेल यहाँ पे डिबेट कंपटीशन शुरू होने से पहले ऑलरेडी जो है ऑडियंस आ चुकी थी जहाँ पे जो आर्ट्स टीम को सपोर्ट करने के लिए आई थी वो कुछ ज्यादा ही शोर वोर मचाने में लगी थी जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद से उन्हीं की ही टीम जीतने वाली है जबकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन जीतेगी। यहाँ पे एक और फनी सीन होता है, सीजाओ को जो है लिटरेचर टीम के सपोर्ट में बैठना चाहिए था क्योंकि सीजाओ बेयू का दोस्त है लेकिन आजकल सीजाओ का दिन जो है लिए सन पे आया हुआ था जिस वजह से सीजाओ लिटरेचर टीम के साथ बैठने की बजाय आर्ट्स टीम के सपोर्ट में बैठा हुआ होता है। मतलब फाइनली डिबेट में भी और ई स्पोर्ट्स में भी कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। वेल यहाँ पे डिबेट में जो टॉपिक था वो था लव से रिलेटेड जहाँ पे लिटरेचर टीम को लव के बारे में अच्छाई बतानी है और वहीं पे दूसरी तरफ आर्ट्स वालों को लव की बुराई बतानी है। वेल यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा अच्छा खेलते हैं लेकिन जो आर्ट्स टीम होती है ना वो ज्यादा ही अजीब अजीब सी तरह की हरकतें कर रही होती है। जैसे कि आर्ट्स टीम के सपोर्ट में जितने भी लोग आए थे वो थोड़ी थोड़ी देर में जो है उनके लिए हूटिंग करने में लगे थे और साथ ही साथ आर्ट्स टीम डिबेट करते टाइम वो डिबेट नहीं कर रही थी, वो एक्सप्लेन करने में लगी थी और सिर्फ सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, वो ऑलरेडी जो है उस टॉपिक से रिलेटेड पेंटिंग बना के लाए हुए थे। यहाँ पे आर्ट्स टीम यही कह रही होती है कि लव हार्मफुल होता है क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करने लग जाते हैं तो उसको खोने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं लेकिन लिटरेचर टीम यही कहती है कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसे खोने से क्यों डरेंगे क्योंकि हम तो यही चाहेंगे ना कि वो जहाँ पे भी रहे वो खुश रहे और उसी में ही हमारी खुशी होगी। वेल वहीं पे दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स में भी काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा होता है जहाँ पे जाओ के फादर बिल्कुल ही ध्यान से कंपटीशन को देख रहे होते हैं। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ डिबेट कंपटीशन में फाइनली बारी आ जाती है थर्ड डिबेटर की आपस में बोलने की जहाँ पे आर्ट्स टीम से लियो डोंग उठता है और लिटरेचर टीम से यीशु। ड्रामे में आगे एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्विंग क्विंग क्विंग बेई को न्यू ईयर विश करके जा ही रही होती है कि तभी क्विंग बेई स्विंग क्विंग को रोक के गले से लगा लेता है और सीधा स्विंग क्विंग को प्रपोज कर देता है आई लव यू बोल के। लेकिन 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 ये सबको स्विंग क्विंग जो है ख्वाब ही देख रही थी। वेल अब वापस से सीन डिबेट कंपटीशन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे साथ ही साथ जो है याओ शेन भी आया हुआ होता है और वापस से याओ शेन जो है हमेशा की तरह सारे डिबेटर्स को ध्यान से देख रहा होता है और उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है।
वेल, लियो डोंग और यी शाओ में जो कंपटीशन चलता है जिसपे यी शाओ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और फाइनली फर्स्ट राउंड के बाद अब सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है जहाँ पे फ्री डिबेट करनी होती है। वेल, यहाँ पे फ्री डिबेट के दौरान 8 टीम वाले जाओ की बात छेड़ देते हैं ये कह के कि जो जाओ है वो गेम्स को कितना प्यार करता था, लेकिन इससे क्या हुआ, उल्टा उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा। जिस पे यी शाओ खड़े होकर कहती है कि मैं मानती हूँ जाओ जो है गेम्स को प्यार करता था और उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा था, लेकिन वो उसे अपना एज अ करियर भी देख रहा था और वो ये सब कुछ जो है अपने करियर को बनाने के लिए कर रहा था। और ऑब्वियसली बात है, हम सभी जो है अपने करियर को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने में लगे रहते हैं। वेल, अब कुछ ही देर में फ्री डिबेट भी ख़त्म हो जाता है और जिसके बाद समरी देने की बारी आती है जहाँ पे क्विंगबेई काफ़ी अच्छे से समरी देता है और कुछ ही देर में ये कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। वेल, अब आप सभी लोग यहीं पे वीडियो पॉज करो और गेस करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी टीम जीती होगी। तो यहाँ पे जो है हमारी लिटरेचर टीम फाइनली जीत जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ जाओ भी हमारा ई स्पोर्ट्स गेम में जीत जाता है और वो प्राउडली अपने फादर को गले लगाता है। जिसके बाद वेल, अब वापस सीन यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे स्विंग क्विंग सभी लोगों को जीत की खुशी में पार्टी देती है। वेल, ये सब कुछ स्विंग क्विंग का प्लान होता है क्योंकि स्विंग क्विंग ने आज डिसाइड कर लिया था कि वो क्विंगबेई को आज प्रपोज करके रहेगी। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ हमारा सी जाओ वहाँ पे पार्टी मनाने के बजाय पागलों की तरह ली हाई शेन के ऑफिस में चुपचाप घुसता है और ली हाई शेन के लिए लव लेटर छोड़ के वहाँ से चले जाता है। वेल, अब वापस से सीन पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे क्विंगबेई किसी काम से बाहर चले जाता है और उतनी देर में स्विंग क्विंग अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है कि किस तरह से वो क्विंगबेई को प्रपोज मारेगी। वेल, जैसे ही बेयू को पता चलता है कि स्विंग क्विंग क्विंगबेई को प्रपोज मारने वाली है तो बेयू तुरंत ही स्विंग क्विंग को कॉल लगा रहा होता है, लेकिन क्विंगबेई जो है अपना फ़ोन जो है पार्टी रूम में ही भूल गया होता है। वेल, जब क्विंगबेई बाहर गया हुआ होता है तो वो टिंग टिंग को रोता हुआ देखता है जहाँ पे टिंग टिंग जो है वहीं अपने लवर की वजह से रो रही होती है। जिसके बाद क्विंगबेई टिंग टिंग को जाके शांत करता है और कहता है कि तुम कुछ भी फैसला लोगी आगे चल के और अभी भी मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा उस फैसले में। और अब टिंग टिंग को शांत करवाने के बाद क्विंगबेई और टिंग टिंग सीधा पार्टी की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे यी शाओ जो है टिंग टिंग को रोक लेती है और क्विंगबेई को अंदर जाने देती है। वेल, यहाँ पे क्विंगबेई के रूम में घुसते ही स्विंग क्विंग क्विंगबेई को सीधा प्रपोज मार देती है और अपनी फीलिंग सारी क्विंगबेई को बता देती है, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है क्विंगबेई जो है टिंग टिंग को लाइक करता है, जिस वजह से क्विंगबेई साफ साफ स्विंग क्विंग को कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और ऐसा कहकर क्विंगबेई उस रूम से बाहर निकल जाता है और क्विंगबेई के बाहर निकलते ही बाकी सभी लोग रूम में घुस जाते हैं सिवाय टिंग टिंग के। और सभी लोग स्विंग क्विंग का चेहरा देख के समझ जाते हैं कि स्विंग क्विंग को रिजेक्शन मिली है, जिस वजह से सभी लोग जो है खूब वहाँ पे डांस करने लग जाते हैं और स्विंग क्विंग को भी डांस करवाने लगते हैं ताकि स्विंग क्विंग रोए ना बिल्कुल भी। वेल, अब सभी लोग रात तक पार्टी करते हैं और अगले दिन सनराइज होता हुआ साथ में देखते हैं। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ सी जाओ सुबह सुबह गर्ल्स हॉस्टल के नीचे खड़ा हुआ होता है और ली हाई शेन का वेट कर रहा होता है और ली हाई शेन तुरंत ही रूम से बाहर निकल के सी जाओ को वो लेटर वापस कर देती है जिसके अंदर ली हाई शेन ने सी जाओ के लिए लिखा हुआ होता है FX = 0, जिसका मतलब होता है कि तुम कितना भी एफर्ट कर लो आंसर जो है 0 ही आने वाला है, यानी कि सीधा रिजेक्शन। जिसके बाद ली हाई शेन इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है क्योंकि लिटरेचर टीम जीत गई थी तो ली हाई शेन का काम था उन सब लोगों का इंटरव्यू लेना। वेल, इंटरव्यू के दौरान ली हाई शेन सभी लोगों से पूछ रही होती है कि आप लोगों ने डिबेट ज्वाइन क्यों करा, तो सभी लोग अपना अपना बताते हैं। जैसे यी शाओ बताती है कि मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी और मुझे ऐसे ही फिर प्रैक्टिस करते करते शौक बन गया। वहीं पी हुआशिया बताता है कि मेरे को तो सर्च मारना बहुत ज़्यादा पसंद ही था और नई नई चीज़ें पढ़ना और उनके बारे में खोज करना इसीलिए। और जब बेयू की बारी आती है बताने की तो सभी लोग अपने मन में हंसने लग जाते हैं। बेयू को भी खुद से पता होता है कि वो रनिंग नहीं करना चाहता था और इसी वजह से वहाँ से लीव लेने के लिए बेयू ने डिबेट टीम ज्वाइन करी, लेकिन बेयू कैमरे के सामने ये कहता है कि मेरे को तो बचपन से ही डिबेट करना पसंद है और मेरी वजह से ही जो है ये टीम जो है जीती है, मेरे को तो उल्टा कोई भी बीट नहीं कर सकता। वेल, ये पूरे इंटरव्यू का लाइव टेलीकास्ट रेस्टोरेंट में लगे हुए टीवी में भी चल रहा था जिसे देख के लियो डोंग हंसने लगता है। वेल, साथ ही साथ इस लाइव टेलीकास्ट को एक लेडी बिल्कुल ही ध्यान से देख रही होती है और बेयू को देख के स्माइल मारने लगती है। ये लेडी वही होती है जो पिछले कॉम्पिटिशन के दिन याओ शेन के साथ बैठी हुई और उस लेडी को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद से वो बेयू को लाइक करने लग गई है। एक दिन पहले ही सब लोगों का कंपटीशन हुआ था जिस वजह से सभी लोग एक दिन का रेस्ट लेते हैं जहाँ पे क्विंगबेई और टिंग टिंग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और क्विंगबेई टिंग टिंग से पूछता है कि तुम्हारा ये साल खत्म होने के बाद तुम कॉलेज पास आउट हो जाओगी, इसके बाद तुम क्या करने वाली हो। जिसपे टिंग टिंग कहती है कि मैं पेंटिंग फील्ड में जाने की सोच रही हूँ,
जिसे सुन के क्विंगबेई कहता है कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। क्विंगबेई से बात करने की वजह से अब टिंग टिंग धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड को भूलने लगती है और साथ ही साथ उसकी फोटोज़ को डस्टबिन में फेंक देती है कि तभी टिंग टिंग को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ पे टिंग टिंग की मॉम ये कह रही होती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी हुई है तो तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ।